हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईपीएल 2023 से रिलेटेड। तो आईपीएल 2023 से पहले ही मुंबई इंडियंस का बहुत ही बड़े झटके लग चुके हैं, जहां पर जसप्रीत बुमराह उनके बाहर हो चुके हैं। और अब जो की न्यूज आ रही है, जय रिचर्डसन जिनको उन्होंने 1.5 करोड़ में खरीदा था वो भी लगभग बाहर ही हो चुके हैं, जहाँ पर उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी सता रही थी। और फिर से अपडेट आई थी कि वो ODI के लिए भारत खेलने आएंगे, लेकिन अब फिर से उनकी इंजरी रीअकर हो चुकी है। तो जय रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट के तौर पर किन किन खिलाड़ियों पर नज़र रखे होगी मुंबई इंडियंस की टीम, तो मैं कुछ 4 नाम बताऊँगा, उनमें से रिप्लेसमेंट जो कि घोषित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर जय रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट के तौर पर सबसे पहला जो कि नाम सामने आ रहा है वो है राइली मेरिदिथ का, जो कि खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल 2022 का सीजन। काफी अच्छा सीजन उनका रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से उनको रिलीज कर दिया गया। फिर से मुंबई इंडियंस, ऐसा खबर आ रही है कि उन पर नजरें बनाए रख रही हैं और उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ा रही हैं। तो उनके पास पेस भी है, डेथ ओवर्स में वो गेंदबाजी भी कर लेंगे, तो इसलिए उनके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। और दूसरा नाम आता है श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा, हालांकि वो इंजर्ड हो गए थे T20 वर्ल्ड कप का, 1-2 मैच ही खेले थे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, एक्सपीरियंस है उनके पास और वो भी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते, पेस भी है, शुरुआती ओवर्स वो जेसन बैरनडॉर्फ को जहां पर शुरुआत दे सकते, साथ में उनका साथ निभा सकते हैं। तो दुष्मंता चमीरा भी एक बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है अगर उनको साइन कर लेती है मुंबई इंडियंस की टीम। तीसरा नंबर पर जो कि नाम एक हो सकता है, वो भी एक प्रबल दावेदार है, कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं, वो है तस्कीन अहमद, बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया था। इनके पास भी गति है, स्विंग है, प्लस डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो रिसेंटली भी अच्छा कर रहे हैं ODI सीरीज जो कि चल रही है बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड की। तो तस्कीन अहमद एक बेहतर रिप्लेसमेंट, एक अच्छी रिप्लेसमेंट जो कि साबित हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कि चौथा नाम आता है वो है नए जी यंग खिलाड़ी, वो एक सरप्राइजिंग हो सकता है, सरप्राइज पैकेज हो सकता है, वो है जेराल्ड क्वेटजी जो कि साउथ अफ्रीका के ही खिलाड़ी हैं, राइट आर्म फास्ट, तो इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था साउथ अफ्रीका T20 लीग में। प्लस काइली जेमिसन की रिप्लेसमेंट की तौर पर CSK भी उनको देख रही होगी, जो बग सुपर किंग्स की तरफ से खेल चुके हैं, 9 मैच में 17 विकेट इन्होंने चटकाए थे, तो अच्छी रिप्लेसमेंट ये साबित हो सकते हैं जय रिचर्डसन की। तो मुंबई इंडियंस जहां पर देखा गया कि यंग खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देती है, इसी को देखते हुए जेराल्ड क्वेटजी के ज्यादा बन चुके हैं रिप्लेसमेंट की तौर पर जय रिचर्डसन की। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए जय रिचर्डसन की, कौन से प्लेयर को साइन कर लेना चाहिए मुंबई इंडियंस की टीम को, केवल 24 दिन ही बचे हैं आईपीएल 2023 की शुरुआत को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मोर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।